दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन नहीं बल्कि हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे। ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं जनरली एग्ज़ाम में। अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अगर आप कोई एप्टीट्यूड का टेस्ट दे रहे हो किसी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में, तो वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। यही क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिया है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 16 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 6 है, 12 है, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से करिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा। आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा, इसके लिए अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, या फिर इसको ऐसे भी देखिए, 4 का ये 2 टाइम्स मल्टीपल है, 4 का ये 4 टाइम मल्टीपल है, 4 4 जा 16। ऐसे यहाँ देखिए, 5 2 जा, और फिर 5 का 4 जा, फिर ऐसे देखिए यहाँ पे 6 6 2 जा, तो फिर 6 का 4 जा क्या आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 24 इज द राइट आंसर। आपको ऑप्शन में कहीं दिखेगा, आप यहाँ से टिक करके आप जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है स्क्रीन पे, आप देखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे 22 प्लस 4 अगर 24 है, 13 प्लस 6 16 है, 80 प्लस 2 82 है, तो 67 प्लस 9 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 22 और 4 को सम करके 24 लाना है। ये कैसे हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि 2 ये वाला यूनिट प्लेस का, टेंस प्लेस वाला, और ये 4, इन दोनों को एक साथ एज इट इज़ लिखेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 13 और 6 में से 1 को और 6 को एक साथ लिख देंगे, 16 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से 80 और 2 में 8 और 2, इन दोनों को 82 रख देंगे तो आ जाएगा, मतलब इस तरीके से रखेंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही 67 और 9, 6 और 9 को एक साथ लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 69 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पहले करिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी आपको करना है। आप पहले अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 1 प्लस 4 5 है, 2 प्लस 5 12, 3 प्लस 6 21, 8 प्लस 11 क्या होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसको तो एक तो तरीका ये है करने का, 4 1 जा 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1, इसी को 1 प्लस भी कर दीजिए, 5। इस पे चलिए देखते हैं ट्रिक लगती है कि नहीं लगती है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10 जो आ रहा है उसको 2 प्लस करिए, 10 प्लस 2 12। ऐसे 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21 आ रहा है, तो फिर इसी तरीके से 11 8 जा 88, 88 प्लस 8 कितना आएगा, 96। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 96। या इसका एक ये भी ट्रिक, ये भी आपको अगर ये ऑप्शन में ना दिखे 96, तो ये भी आप लगा सकते हो, 4 4 प्लस 1 5, 5 जो आ रहा है उसको इसमें 2 प्लस किया, 7 5 12, ऐसे 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 21, फिर ऐसे 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 11 कितना आएगा, 29 प्लस 11 40, तो आपका आंसर 40 भी हो सकता है। जो भी इन दोनों में से ऑप्शन में आप उसे ट्रिक कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि 40 ही हो, आंसर 96 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन है आपके सामने वो इनमें से कौन सा है। जो होगा आप उसे ट्रिक कर सकते हैं। थैंक यू।